नवा विधायक व उप शिक्षक महेंद्र चौधरी शुक्रवार को कुचामन दौरे पर, जहां पर तेजा सर्किल पर शिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान यहां पर तेजा जी धाम चितावा के पुजारी कुंभाराम बुर्डक व विधायक के कर कमलों से यहां शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान यहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधायक महेंद्र चौधरी का सभी ने यहाँ पर स्वागत किया। साथ ही विधायक महेंद्र चौधरी ने जयपाल हत्याकांड के बाद पहली बार मंच से विपक्ष के खिलाफ खुलकर हमला बोला। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने कुचामन बस स्टैंड मुद्दे को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हाँ हाँ सर, हाँ जरूर सर। मेरा एक आपके माध्यम से एक ये निवेदन करना है, कोई भी नेता हो या तो उनको अपना कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी, यही लोग, इन्हीं का बस स्टैंड, ये जब मैं उद्घाटन करूंगा तब ये चिल्लाएंगे कि साहब ये बस स्टैंड तो हमारा किया हुआ था, और आज ये चिल्ला रहे हैं कि ये उसका विरोध कर रहे हैं। यही माननीय पूर्व विधायक जो अभी पार्षद है, उन्होंने नगर पालिका की बैठक में कहा कि क्यों नहीं वहां पर शिफ्ट किया जा रहा, दुकानें पड़ी है खाली और कर रहा, लोगों को तकलीफ हो रही है। और आज वही लोग राजनीति कर रहे हैं, प्रजा समझती है, पूरी जनता समझती है। मेरा व्यापारियों से सबसे यही संदेश है कि इनके बहकावे में ना आए, इनके पास कुछ नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा है। ये अपने 20 रुपए की कड़प लगा के कपड़े पहन के जो बाहर निकल जाते हैं, तो ये पूरे दिन भर की ऐसा कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार क्या करें। कोई किसी का समय बीत गया, किसी को राजनीति में लोग वापस नहीं लेना चाहते, कोई कर्जदारी है, अलग अलग प्रकार की भावनाओं को लेकर ये खुद ही डूबे हुए हैं। इसलिए इनकी मानसिकता सोच में देखता हूँ, लोगों के बीच में सुबह ला जाना बस स्टैंड के ऊपर, लोगों को भड़काना, हमारे सभापति उप सभापति से अलग अलग बातें करना। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, मैं सबका जनप्रतिनिधि हूँ, जो होटलों वाले हैं या जो वहां पर मार्केट में है, उनकी रोजी रोटी पे, गरीब आदमी पे, ठेले वालों पे, टैक्सी पे या जिन पे भी है, खूब रास्ते हैं उनकी रोजी रोटी के लिए हमारे पास में, और कोई आयाम स्थापित करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे ताकि उनको भी रोजी रोटी पे किसी प्रकार का संकट न आए। बीजेपी के पास में तोड़फोड़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा तो बीजेपी के नेताओं से ये कहना है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें, कहीं उनमें तोड़फोड़ न हो जाए। कांग्रेस अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है राजस्थान के अंदर, और जो मैंने संकट की घड़ी के अंदर कहा था कि कांग्रेस के साथ में 126 विधायक है, आज भी कांग्रेस के पास में 26 विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के पास 71 विधायक, 3 उनके समर्थित दल, उनमें से कौन अनुपस्थित रहता है और कौन अपना वोट रिजेक्ट करता है, ये वो अपना गंभीरता से देख लें। हमें आभास हो रहा है कि उनके कुछ न कुछ, उनके जो ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने हुए बन रहे 8-8, 10-10 है, इनके लोग जो है इस राज्यसभा चुनाव के अंदर भी कहीं गड़बड़ न कर दें, ये उनको अपना घर संभालना चाहिए। मेरी उनसे एक सलाह है।